तो गाइस उस मेडिसिन की तरफ हम चलते हैं। मेडिसिन का नाम है जी मिल्क। 100 ml में ये इसकी क्वांटिटी है, अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसकी मार्केट प्राइस और मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चर ये हुआ है मई 2023 में इसको मैन्युफैक्चर किया है, और इसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2028 की इसकी एक्सपायरी डेट है। तो एक्सपायरी डेट भी ठीक ठाक है। अगर आप अपने फार्म में सीरप रखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बकरी हैं तो जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। बाकी बहुत ही अच्छा ये होम्योपैथिक सीरप है मिल्क इंक्रीज के लिए। तो अब जान लेते हैं बेसिकली कहाँ कहाँ काम करता है बकरियों में। देखिए, अगर सबसे पहले ज़्यादा फंडा ये रहता है, लोगों का सवाल भी ये रहता है कि हमारी बकरी ब्याई और ब्याने के बाद, प्रसव के बाद वो दूध नहीं बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में ऑनर का ये भी कहना होता है कि वो जितना खाती है उसके अकॉर्डिंग वो सूखती जाती है। तो साथियों, सबसे पहले तो ब्याने के 20 से 21 दिन के बाद बकरी की तुरंत डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़ों की दवा दें, और पेट के कीड़ों की दवा देने के बाद आपने मिल्क इंक्रीज के लिए जी मिल्क होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना है, जो 100 ml में अवेलेबल है। और ये सिरप ज़्यादातर वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है जब बकरी ने बच्चे को जन्म दे दिया है और उसका मिल्क बढ़ाना चाह रहे हैं आप, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो साथ ही साथ ये वजन भी बढ़ाएगी और बकरी का दूध भी बढ़ाएगी। तो स्पेशल तौर पर काम करता है। और दोनों ही समस्या एक ही कंडीशन में रहती हैं कि बकरी दूध नहीं दे पाती, प्रोडक्शन नहीं कर पाती, उसके मेमोरी ग्लैंड पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता दूध बनाने के लिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होते पसाव के लिए, और जब बच्चे मेमने भूखे रहते हैं, बकरी का दूध नहीं उतरता या दूध नहीं बन पाता, तो वहाँ पर बच्चों की भी ग्रोथ नहीं होती। तो इस तरह से आप अपने बकरी को वज़न भी बढ़ाएगा ये सिरप, और साथ ही साथ दूध हाईएस्ट बहुत ही स्पीड से ये आपकी बकरी का दूध ही बढ़ाएगा, और बॉडी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है। अगर कोई बकरी मेस्टाइटिस के बाद उसको सेप्टिक बन गई है, यानी मेट्राइटिस के बाद उसको सेप्टिक बन गई है और दूध नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पर भी इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। या बकरी को थनैला हो गया है या किसी बीमारी से ग्रसित है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और उसका दूध बढ़ने के चांसेस कम हैं, या दूध नहीं बढ़ रही है, कुछ दूध देती है जैसे आधा लीटर एक लीटर और दूध नहीं बढ़ पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर भी इस सिरप को अगर होम्योपैथी को पिलाएंगे जी मिल्क को, तो वहाँ पर भी ये दूध को इनक्रीज करेगी। साथियों, बहुत सी बकरियों के दूध ज़्यादा होता है और दूध देने की वजह से साथियों वो सूखती रहती हैं दिन पर दिन, तो वहाँ पर भी आप अपने जी मिल्क को पिलाएं तो उससे बॉडी का वेट गेन भी होगा, शरीर का विकास भी होगा, और साथ ही साथ ये प्रॉपर तरीके से दूध को बनाए भी रखेगी। तो ये इसके बेसिक फंडे हैं। प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी में ये अवॉइड करनी है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी है ये। सीधा आपने ब्याने के बाद बकरी को दे सकते हैं, और जब बकरी 1 से 2 महीने की लोड हो जाए तो वहाँ पर आपने बंद कर देना है, वहाँ नहीं देना है। अब यहाँ पर हम डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज रेट जो होगी, तो ये इसकी डोज रेट है, और बहुत ही शानदार इसको पिलाने के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर कोई भी बकरी प्रसव के बाद दूध नहीं बढ़ रही है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग के बाद ये आपने जी मिल्क का यूज़ करना है, और इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इसको बनाया गया होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और एक सिरप आपको मैं और बताता हूँ, अगर ये सिरप आप पिला रहे हैं तो साथ में विटामिन AD3 जरूर दें, जो बकरियों में विटामिन AD3 की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आती है प्रेगनेंसी को भी लेकर, और साथ ही साथ दूध को भी लेकर, और थनों में पवास न होने की वजह से भी विटामिन AD3 की कमी आ जाती है। जब विटामिन AD3 पूरा होगा बॉडी में तो पसाब भी ठीक रहेगा, पशु प्रॉपर दूध देगा और सारे काम उसके ठीक हो जाएंगे। तो विटामिन भी आप 5-5 ml दिन में सिर्फ एक बार आप दें, और साथ ही साथ ये जो 5-5 ml आपने जी मिल्क देना है दिन में 3 बार, ये इसकी डोज रेट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है फहीम पर्सनल व्लॉग, उस पर लाइफ स्टाइल शेयर करता रहता हूँ, तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।